हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शनिवार को सिरमौर दौरे के दौरान नाहन विधानसभा क्षेत्र के तहत बनेठी व चांकली पंचायत में 35 लाख की लागत से बनी सरोगा टिक्कर पेयजल योजना का उद्घाटन किया तथा निहोक बोरली घाट सड़क का शिलान्यास किया। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में सड़क और पेयजल दो बड़ी समस्याएं हैं, जिसके लिए जयराम सरकार पिछले दो वर्षों से लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बनेठी और चांकली पंचायत की पेयजल समस्या के निदान के लिए वह निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन पंचायतों में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए जलाल नदी से उठाऊ पेयजल योजना पर कार्य चल रहा है, जिसका शुभारंभ अप्रैल माह के पहले सप्ताह में हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने हाई स्कूल निहोक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल चांकली के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की तथा भवन की मरम्मत व निर्माण के लिए धन का प्रावधान भी किया है। आज बहुत गौरव का दिन है। हमारा ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें दो प्रमुख समस्याएं हैं। गांव को छूने वाली सड़कों का अभाव और ग्रीष्म काल में जल का अभाव। दोनों समस्याओं के समाधान के लिए पिछले दो वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। आज निहोग से बोहरली घाट की सड़क का शिलान्यास करते हुए हमें आनंद की अनुभूति हुई है और बोहरली घाट बहुत लंबे समय से इस सड़क की बाट जो रहा था। हम आशा करते हैं आने वाले समय में बोहरली घाट बोहरली के क्षेत्रों के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी लाइफ लाइन के रूप में बनकर उभरेगी। इसी के साथ आज चांकली क्षेत्र के अंदर एक छोटी पेयजल योजना का उद्घाटन किया। लगभग 35 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। हमारी बनेठी और चांकली दोनों पंचायत में पेयजल की गंभीर समस्या को देखते हुए बनेठी और चांकली के लिए जलाल नदी से पेयजल उठाने का काम जोरों से चला हुआ है और आज हम प्रभु से और आशीर्वाद लेते हुए यह उद्घोष करना चाहते हैं कि बनेठी और चांकली की इस बड़ी स्कीम का उद्घाटन अप्रैल के प्रथम सप्ताह के अंदर जनता को समर्पित करने के लिए करेंगे, अर्थात गर्मियों से पहले पेयजल की समस्या का समाधान करें। निहोक का हाई स्कूल, उसके अंदर कहीं स्टेज बननी है, बिल्डिंग की रिपेयर होनी है, कुछ गेट बनना है, उसके लिए भी आज धन का प्रावधान किया है। और जो चांकली का प्लस टू स्कूल है, उसके अंदर भी भवन निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज का दिन चांकली पंचायत के लिए कारगर साबित होगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।